प्रेमानंद जी के भक्तों के लिए बड़ी खबर। प्रेमानंद जी महाराज ने लिया बड़ा फैसला। हाथरस कांड के बाद प्रेमानंद जी का बड़ा फैसला। हाथरस कांड के बाद पूरा देश सदमे में है। उधर संत प्रेमानंद महाराज जी ने यूपी के हाथरस में भगदड़ के बाद प्रेमानंद महाराज ने बड़ा फैसला ले लिया है। इसकी सूचना भक्तों को दे दी गई है। दरअसल प्रेमानंद महाराज जी ने वृंदावन में अपनी रात की पद यात्रा को अनिश्चितकाल तक के लिए बंद कर दिया। इसके बारे में लेटर जारी करके अपने भक्तों को सूचना दी गई है। प्रेमानंद जी ने अपने भक्तों से अपील करते हुए लिखा है, हाथरस में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बहुत ही हृदय विदारक है और अत्यंत दुखद है, जिसमें हम सबकी गहन संवेदनाएं परिजनों के साथ है। भविष्य में ऐसी कोई भी घटना न घटे, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। उपरोक्त घटना के संदर्भ में सावधानी बरतते हुए पूज्य महाराज जी जो पद यात्रा करते हुए रात्रि 2:15 बजे से श्री हित राधा केली कुंज जाते थे, जिसमें सब दर्शन पाते थे, वो अनिश्चित काल तक के लिए बंद की जाती है। कृपया कोई भी श्रद्धालु रात्रि में दर्शन हेतु खड़े ना हो, ना ही रास्ते में किसी प्रकार की भीड़ लगाएं। प्रेमानंद महाराज जी की अपील पर गौर कीजिए, क्योंकि भगवान को पाना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ हैं वहाँ रहिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि ईश्वर को किसी प्रमाण या फिर किसी दान की जरूरत नहीं होती। जो सबको देता है उसे आप क्या ही दे सकते हैं, शायद यही समझाया है। आपको बता दें, प्रेमानंद महाराज हर रात 2:15 बजे से अपने आश्रम श्री हित राधा केली कुंज पद पर यात्रा करते हैं, और इस पद यात्रा में प्रेमानंद महाराज का दर्शन करने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। ये लोग रात में ही लाइनें लगाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने श्रद्धालुओं से रात में दर्शन के लिए रास्ते में खड़े होने से मना कर दिया। श्री हित राधा केली कुंज परिकर के माध्यम से ये अपील सोशल मीडिया अकाउंट पर की गई है।